वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर छोटा सा टी राइट कर देते हैं जो कि ट्रांसपोज को शो कर रहा है, और इसके ऊपर भी हम टी राइट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ट्रांसपोज हम लेते कैसे हैं, तो पहले रोज़ और कॉलम का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है, नहीं पता तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये रोज़ होती हैं, जो हॉरिजॉन्टली हैं वो रोज़ हैं और जो वर्टिकली हैं वो कॉलम हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास टू रोज़ हैं और टू ही कॉलम हैं। इस मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास कितनी रोज़ कितने कॉलम हैं, थ्री रोज़ हैं और टू कॉलम हैं। इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें वन रो है और थ्री कॉलम है। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज़ का कॉलम्स में या कॉलम्स का रोज़ में चेंज कर देना। ठीक है, आपने ये काम करना या रो को कॉलम या कॉलम को रो में चेंज कर दो। तो हम कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। दूसरा काम बहुत बहुत ही आपको नज़र आ जाएगा, हुआ है कॉलम है वर्टिकली, मैं इसको हॉरिजॉन्टली राइट करती हूँ और वो मेरे पास रो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकली था हॉरिजॉन्टली चेंज हो गया, वर्टिकली था हॉरिजॉन्टली चेंज हो गया। तो मेरे पास कॉलम था, मैंने उसको रो में चेंज कर दिया, कॉलम था रो में चेंज कर दिया, कॉलम को मैंने रो में चेंज किया, कॉलम को रो में चेंज किया, तो रोज़ ऑटोमेटिकली कॉलम में चेंज हुई हुई है। आपको नज़र आएगा रो थी कॉलम में चेंज हुई हुई है, रो थी कॉलम में चेंज हुई हुई है। तो इंटरचेंजिंग ऑफ रोज़ इनटू कॉलम्स एंड और रोज़ कॉलम्स इनटू रोज़, वो ट्रांसपोज है आपके पास। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं जो है ना, चेंज करते हैं रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रो में। आपने एक काम करना, दूसरा तो खुद बहुत ही हुआ है ना, तो मैंने कॉलम को रो में चेंज कर दिया और मेरे पास ये ट्रांसपोज फाइंड हो गया इसका। यहाँ पर भी देख लो तो मैंने ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो इसमें भी मैंने कॉलम को रो में चेंज कर दिया। इधर इस स्टेप में बस राइट किया, नेक्स्ट में किया। ओके, मैंने और भी मैट्रिक्स पे काम किया हुआ है, ऑर्डर फाइंड करना कैसे कैसे करते हैं वो सिखाया हुआ है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिसेस को वो भी सिखाया हुआ है, देन एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड लेते करते हैं, नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का। आप क्या कर सकते हो, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, मैट्रिक्स के नेम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।